गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बी एड सैकेंड ईयर के जे सॉरी सैकेंड सेमेस्टर जोड़े स्टूडेंट है उन्होंने सब्जेक्ट आई सी टी वो आप शुरू किया हाले तक वो मैं एक ही वीडियो शेयर की है वो मैं थोड़ा आई सी टी की डेफिनेशन तो कॉम्पोनेंट्स करवाइया सी। अज नैक्सट वीडियो के मैं थोड़ा आई सी टी के साधना दिया किस्म टाइप्स ऑफ आई सी टी टूल ठीक है जी ये टॉपिक करवाऊंगी। तो टाइप ऑफ आई सी टी टूल के अपने को जो टूल है तीन तरह के आते हैं डिस्प्ले टेक्नोलॉजी टूल्स टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी टूल्स ते इंटरनेट टेक्नोलॉजी टूल्स। जिहड़े अपने डिस्प्ले टेक्नोलॉजी टूल्स उहदे विच OHP एपडीग्राम्स LCD इंटरैक्टिव बोर्ड आते हैं। टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट के अपने को रेडियो प्लस FM टेलीविजन टेलीफोन सैटेलाइट। इंटरनेट टेक्नोलॉजी टूल्स के अपने को कंप्यूटर टेलीकम्यूनीकेशन ते इंटरनेट ये सारे टूल्स पाए जाते हैं। सब तो पहला आप गल करांगे OHP की जिन्हों की ओवरहैड प्रोजैक्टर के नाम न जाने जाता है। इस साधन में रोशनी लेंज और लिखित लिए पारदर्शी शीट ट्रांसपेरेंट शीट की वरतू होती है। तो बेसिकली वो है यूजिंग द बल्ब एंड द ट्रांसपेरेंट शीट इन द ओवरहैड प्रोजैक्ट। इस शीट को OHP प्रोजैक्ट के लगे एक शीशे उत्ते रख दिता जाता है, मतलब एक शीट होती है जिहड़ा ओवरहैड प्रोजैक्टर होंदा है उस उहदे उपर शीट नूं रख दिता जांदा है। इस शीशे हेठा रोशनी लई बल्ब की वरतों की जाती है ठीक है। वो जिहड़ा शीशा है उहनूं रोशनी देने लई उहदे नीचे की लगा दिता जाता है एक बल्ब लगा दिता जाता है। रोशनी फिर लेंज ते पैंदी है ठीक है। लेंज ते पैण तो बाद लेंज नूं वड्डा या छोटा भी किया जा सकता है। जदों रोशनी लेंज ते पैंदी है तो ओवरहैड प्रोजैक्टर की हैल्प नाल स्क्रीन के उत्ते चीज़ों डिस्प्ले किया जाता है। ओवरहैड प्रोजैक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो आप किसी हॉल के बैठते हैं ना बिल्कुल अपने पिछे लग्या होंगे, मतलब हैड पर लग्या होंगे, उत्थों रोशनी पर्दे के उपर पैंदी है। इसलिए इन आप OHP ओवरहैड प्रोजैक्टर के नाम नाल जानते हैं। सेकेंड आ गया एपडीग्राम। एपडीग्राम के इस मदद नाल किताब के किसी भी पन्ने पर्दे या दीवार उत्ते वड्डे आकार में प्रदर्शित किया जा सकता है। अजिहा करन लई किताब खोल के एपडीग्राम ते रख दिता जांदा, उपर वाले पन्ने ते लिखी सारी जानकारी प्रदर्शित हो जाती है। मतलब तुहाडी कोई बुक है तुसीं उस बुक के पेज नूं एक आपां जिवें देखदे ना जिवें ओवरहैड प्रोजैक्टर हो गया जिवें सिंपल प्रोजैक्टर हो गई एक वड्डी स्क्रीन के उत्ते चीज़ों डिस्प्ले करवाया जाता है। तो एपडीग्राम की करता है किसी भी बुक के पेज जिवें क्लास में टीचर ने पढ़ाना है तो बच्चों को बुक्स मान लो अवेलेबल नहीं है टीचर को अवेलेबल है तो वो एपडीग्राम की वरतों करके जिहड़ी बुक का पेज है उसे स्क्रीन के उत्ते रख दूगा तो वड्डे पर्दे के उत्ते पेज एज इट इज़ डिस्प्ले हो जूगा जिस तो स्टूडेंट उन्होंने आराम नाल देख सकते हैं पढ़ सकते हैं। मैं तुम इंग्लिश भी स्टूडेंट इस तरह ही ट्रांसलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एपडीग्राम वी कैन यूज़ पेज ऑफ द बुक अप ऑन द एपडीग्राम एंड फुल पेज कैन बी रीड ऑन द स्क्रीन ठीक है। तो उस बाद अपने को आ गया LCD। LCD होंगे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजैक्टर। LCD आप बेसिकली अपने घर आम तौर पर ही LCD स्क्रीनज यूज़ करते हैं। उस तो अलावा हम जो डैस्कटॉप लैपटॉप कंप्यूटर है उन्होंने उत्ते भी आप LCD स्क्रीनज ही यूज़ करते हैं। इस विच तीन तरह LCD ग्लास पैनल्स वरते जाते हैं। ये तीन ग्लास पैनल्स हरे नीले और लाल रंगों को प्रदर्शित करने वरते हैं। बेसिकली 3 कलर्स ही होंगे इन्होंने ना चाहे कोई भी है कोई भी LCD तुम यूज़ कर रहे हो आप TV है इन्होंने ना रेड ग्रीन तो ब्लू कलर के ना कॉम्बीनेशनस ना ही बाकी कलर होंगे, मतलब बेसिक 3 कलर्स ही होंगे। बाय कंबाइनिंग दिस 3 कलर्स देर आर मिलियंस ऑफ कलर कैन बी जनरेटड। तो कहते इन पैनलों में रोशनी हिसाब न निकलती रहती है पर्दे ते पिक्सल बन के पिक्सल समझ छोटे छोटे डॉट्स होंगे हैं उन्होंने बोलते पिक्सल। तुम देखोगे LCD या कोई भी तुहाडे घर TV है या किसी भी स्क्रीन नूं ध्यान नाल देखोगे ना देयर इज़ अ नंबर ऑफ कलैक्शन ऑफ पिक्सल्स ऑन द स्क्रीन। पहला जिहड़े पिक्सल है वो साफ अपन दिखते होंगे सी TV के उत्ते जिहड़े पुराने TV सी तो उन्होंने कलैरिटी भी उन्नी ज़्यादा नहीं होंगी सी। अब जिहड़ी आप LCD या LED यूज़ करते हैं उन्होंने पिक्सल अपन बहुत घट दिखते तो कलैरिटी बहुत ज़्यादा होंगी है। यदा मतलब ये होंगे जिन्ने नंबर ऑफ पिक्सल ज़्यादा होंगे उन्नी ही कलैरिटी टेलीविजन या स्क्रीन की की होंगी है ज़्यादा होंगी है। तो LCD बेसिकली इट यूज टू रीप्रजेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कलर तो कलैरिटी वास्ते आप LCDs नू यूज़ करते हैं। उस तो बाद नैक्सट ये अपने को आ जाती है DLP जिन्हों की कहें डिजिटल लाइट प्रोसैसिंग। दिस इज़ अ DMD चिप इन इट ए एक चिप लगती है कहें इट मीनस डिजिटल मीरर डिवाइस चिप डिजिटल मीरर डिवाइस मतलब जोड़ा कि शीशे के उत्तर चीज़ों पढ़ता है। एक चिप में छोटे छोटे हज़ारा लेंस होंगे भाव हरेक पिक्सल एक वक्रा लेंस
जिहड़ा अपने हिस्से आए रंगों नूं प्रदर्शित करता है। इस विच तस्वीरां साफ सुथरियां दिखाई दी। दिस इज़ ऑलसो यूज फॉर द कलैरिटी परपज, ये जिन्हिया भी पिक्चर्स है दे कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन इन अ क्लीयर वे। आपां उन्हां दी जिहड़ी पिक्चराइजेशन है, उन्हां दे कलर्स है, उन्हां नूं आपां बड़े क्लीयर बेसिस ते जिहड़ा हैगा देख सकदे विद द हैल्प ऑफ डीएनपी। नैक्सट अपने कोल आ गया इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड। इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड की है भी यह बोर्ड विच टच स्क्रीन की तरह हुंदा है। इस विच लिखन या ड्रॉ करने रंगा की चोण की गई है। दिस इज लाइक अ टच स्क्रीन बोर्ड, जिवें आपां टच स्क्रीन मोबाइल यूज़ करते हैं उवें अपने कोल टच स्क्रीन बोर्ड है। इहदे विच अलग अलग तरह के कलर्स रिप्रजेंट हुंदे आ जिन्हां नाल आपां ड्रॉ कर सकते, कुछ लिख सकते हैं। यह कोड सब तो पहला 1991 स्मार्ट टैक्नोलॉजी कंपनी वालों बनाया गया। जिहड़ा बोर्ड है इंटरैक्टिव बोर्ड 1991 बनया सीगा सब तो पहला। इस बोर्ड नूं हौली हौली आम क्लासा विच वरत्या जाण लगा, लैपटॉप कंप्यूटर नाल भी जुड़िया जाण लग गया। उस तों बाद अपने कोल आ जांदे भी रेडियो। रेडियो आपां आम तौर ते सुणदे हां, रेडियो इज़ आ ओनली ऑडियो डिवाइस, तुसीं उहदे ते सिर्फ सुन सकदे हो। दिस इज़ कैन बी यूज फॉर द डिस्टेंस एजुकेशन ऑल्सो, मतलब जिहड़ियां ओपन ते डिस्टेंस एजुकेशन है जिथे स्टूडेंट बहुत दूर बैठे आ अपने कोल किसी कॉलेज या स्कूल विच नहीं पहुँच सकते, तो उन्हां लई की है जिहड़े लैक्चर्स है वो रेडियो ते ब्रॉडकास्ट कर दिते हैं। जदों क्लास दे विच टीचर लैक्चर दिंदा उन्हां नूं रिकॉर्ड करके रेडियो दे उत्ते ब्रॉडकास्ट कर दिते जांदे आ। उत्थों बच्चा व्हेनेवर ही फील कंफर्टेबल, व्हेनेवर ही गॉट अ टाइम, ही ओर शी गॉट अ टाइम, दे कैन लिसन द लैक्चर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रेडियो। नेक्स्ट आ गया भी टीवी। टीवी एनसीईआरटी के प्रोग्रामर राही साइंस मैथ एजुकेशन कैन बी गेन। तो टीवी के उत्ते देखोगे जो एनसीईआरटी के प्रोग्राम के तहत जिन्हें भी कोई फेमस लैक्चरर्स होंगे उन्होंने जो लैक्चर है वो एक स्पेशल चैनल के उत्ते रीप्रजेंट किए जाते हैं, ताकि बच्चों को घर बैठे ही जी वधिया किस्म की एजुकेशन मिल सके। तो टीवी भी जोड़ा है एक कम्यूनीकेशन का एक बहुत वधिया साधन मनिया जाता है। वी कैन लिसन द लैक्चर ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ अवर चॉइस लाइक साइंस मैथ एजुकेशन, किसी भी किस्म की जी के कोई भी जो भी लैक्चर उत्थे अवेलेबल होंगे वो अपना सुन सकते हैं। टेलीफोन या मोबाइल फोनस, टेलीफोन तो मोबाइल फोन, वी कैन यूज़ टेलीफोन एंड मोबाइल फोन इन एजुकेशन लाइक फॉर ई बुक्स डाउनलोडिंग। बहुत सारिया इलैक्ट्रॉनिक बुक्स होंगे, जरूरी नहीं होंगे बुक्स आप मार्केट से जाकर परचेज करके टैक्सट बुक्स होना तो ही बनी है। दीज बुक्स कैन ऑलसो भी अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, तुम उतो फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके उन्होंने बुक्स के भी नॉलेज गेन कर सकते हो। टेलीकम्युनिकेशन एंड सैटेलाइट्स, टेलीकम्युनिकेशन एंड सैटेलाइट इज ऑलसो पार्ट ऑफ मोबाइल फोनस एंड टेलीविजन्स, ठीक है ना। उन्होंने थ्रू की है आप कोई भी चीज़ों को डिस्प्ले करवा सकते हैं, वेख सकते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड करके रख सकते हैं फॉर द फ्यूचर यूज। कंप्यूटर, कंप्यूटर इज़ अ बेसिक थिंग दैट कैन बी यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो शेयर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। कंप्यूटर की हेल्प नाल आपां चीज़ों बहुत ईजी वे नाल अनैलिसिस कर सकते हैं, बहुत सारा मटीरियल इकट्ठा कर सकते हैं, तो फ्यूचर यूज लई डाटा जिहड़ा हैगा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जिहड़ा हैगा वो आपां स्टोर कर सकते हैं। एंड कंप्यूटर हैव ऑलसो वेरी फास्ट स्पीड फास्ट होंगी है, तो वर्क जिहड़ा हैगा वो भी बहुत तेजी नाल इहदे परफॉर्म हो सकता है। इंटरनेट, इंटरनेट इज़ कंप्यूटर एंड इंटरनेट बोथ आर गोइंग, वी कैन से दैट पार्ट ऑफ वन कॉइन, दोनों जिहड़े हैगे इक कॉइन दे पार्ट हुंदे आ। जे अपने कोल कंप्यूटर होगा एंड वी प्लस वी ऑलसो हैव अ इंटरनेट कनैक्शन, तो आप ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं एंड वी कैन ऑलसो चैट विद अवर टीचर्स एंड वी कैन ऑलसो डिस्कस अवर प्रॉब्लम विद अवर टीचर्स, वी कैन ऑलसो शेयर अवर व्यूज विद अवर फ्रेंड्स। बहुत सारे वेज हो जाते हैं जो अपने कोल इंटरनेट का कनैक्शन प्लस कंप्यूटर दोनों की अवेलेबिलिटी होंगी है। वैबकैम्स एक्सेट्रा, वैबकैम्स देखो एक होंगे सिर्फ ऑडियो कॉल्स करनिया या रिटन मैसेज भेजने, विद द हेल्प ऑफ वैबकैम वी कैन अरेंज अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विद आवर टीचर विद आवर फ्रेंड्स। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिए बड़ा ईजी हो जाता है इफ यू आर यूजिंग अ वैबकैम, ठीक है। उत्ते तुसी देख सकते हो द गेस्चर एंड द जिहड़े उन्हां दे हाव भाव हुंदे आ, द फीलिंग्स द स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड यूर टॉपिक और नोट एंड द टीचर इज कैपेबल ऑफ टीचिंग द स्टूडेंट, नॉट ऑल द थिंग्स कैन बी एनालिसिस एंड विद द हेल्प ऑफ वैबकैम। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लई ऑलसो फॉर एजुकेशन परपज, ऑलसो फॉर द बिजनेस परपज, वैबकैम्स आर वेरी यूजफुल, ठीक है। स्टूडेंट अज का टॉपिक आप यही करांगे, एदे विच तुहाडियां जिहड़ियां हैगियां ICT दे टूल्स जिहड़े आप डिस्कस कर चुके हैं। नैक्सट वीडियो दे विच मैं तुहानूं बेनीफिट्स ऑफ ICT करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ICT जिहड़ियां हैगियां वो करवांगे। आई होप तुहानूं टॉपिक चंगी तरह समझ आ रहे होंगे, जे आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो कमेंट सैक्शन के। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।